नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लग रहा। दोस्तों आप सब ठीक ठाक होंगे, राजी खुशी होंगे, फिट फाट होंगे, भगवान सलामत रखे आपको। और दोस्तों आज सितंबर की 15 तारीख है। आज हम कश्मीरी रेड एप्पल बेर के बारे में कुछ जानकारी देंगे। तो दोस्तों ये जो पौधे आप देख रहे हैं लंबे लंबे से, ये कश्मीरी रेड एप्पल बेर के पौधे हैं। ये एक पौधा मैंने जनवरी में लगाया था, एक फरवरी में और एक मार्च में। जनवरी फरवरी में इनकी ग्रोथ नहीं होती, लेकिन मार्च में इनकी ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। तो ये तीनों पौधे मैंने ऑनलाइन ही मंगवाए थे। ऑनलाइन के अंदर से भी कुछ पौधे मेरे दो तीन मर गए थे, ख़राब हो गए थे, और 6-7 मंगवाए थे, एक दो यारों दोस्तों को दे दिए, एक दो मर गए पौधे। तो ये तीन पौधे बचे हैं। अगर इनकी हाइट की बात करें तो दोस्तों हाइट इनकी जा रही है 8 फुट से भी ऊपर। तो मेरी जो हाइट है 5.5 फुट होगी, 5.5 होगी, तो मेरी हाइट से भी ये 3.5 फुट ऊपर जा रही है। तो दोस्तों ये सितंबर के महीने में फूल देना शुरू करते हैं, और इस पे अब धीरे धीरे फूल आने शुरू हो रहे हैं। हवा तेज़ चल रही है काफ़ी, तो आप देख रहे होंगे इसके ऊपर, सबके ऊपर फूल आने शुरू हो गए हैं। चारों साइडों पे देखो, हर पौधे के ऊपर फूल आने शुरू हो गए हैं। तो दोस्तों ये भी मैंने 16 इंच के गमले में लगा रखे हैं, और काफ़ी अच्छे ये बढ़ने लग रहे हैं। तो उसकी देखभाल ज़्यादा तो नहीं करता, लेकिन ये है कि महीने में एक बार इसको वर्मी कंपोज में दे देता हूँ। दोस्तों हमारे जितने भी पौधे होते हैं उसके ऊपर दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है आज की तारीख में। जिस तरह इंसान बीमार होता है, हमारे पौधे भी बीमार होते हैं। गर्मी सर्दी मौसम बदलता है, तो अगर उनकी देखभाल ठीक ढंग से करी जाए, अगर उनके मन मुताबिक उनको ट्रीटमेंट किया जाए, तो हमारे पौधे बहुत ही अच्छे चलते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो एक बार पौधा लगा दिया और पौधा लगाने के बाद गोबर की खाद तक भी नहीं देते। मेरे पास ऐसे बहुत से फ़ोन आते हैं जिनके अमरूद का पेड़ 8 साल का हो गया, कोई कहता 5 साल का हो गया, लेकिन अभी तक फल नहीं लगे। जब मैंने उनसे ये पूछता हूँ कि आप उस पर क्या देते हो, कौन सी खाद दी है, कह रहे खाद तो हमने कभी ज़िंदगी में दी नहीं है। तो दोस्तों ये पेड़ पौधों को भी भोजन चाहिए, अच्छी खुराक चाहिए। अगर फल लेने हैं तो कभी ये सोचो कि पानी से हमारे पेड़ पौधों का पेट भर जाए तो ये मुश्किल है। तो पेड़ पौधों के लिए समय समय पे दवाइयों की भी ज़रूरत पड़ती है, टॉनिक की भी ज़रूरत पड़ती रहती है, और खाद वर्मी कंपोस्ट गोबर की खाद और नीम खली वगैरह की ज़रूरत पड़ती रहती है। अगर हम ये इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारे पौधों के ऊपर फल फ्रूट नहीं आएगा। और सबसे बड़ी बात, इनको धूप की बहुत सख्त ज़रूरत होती है। अगर जितनी हमारे पौधों पे धूप पड़ती है उतने ही हमारे पौधे बढ़िया होते हैं। तो जहाँ मेरे पौधे रखे थे आज से 1.5 साल पहले काफ़ी अच्छी धूप आती थी, लेकिन 1 साल के अंदर ये दोस्तों तीन मकान बन गए, और ये तीन मकान बनने से इन्होंने 50-60% धूप जो है, जो मेरे पौधों पे डायरेक्ट पड़ती थी, वो रोक ली है, ख़त्म कर दी है। तो धूप ना पड़ने की वजह से भी जो मेरे पौधे हैं वो ज़्यादा फ्रूटिंग पे नहीं आ रहे, ज़्यादा फूल नहीं देने लग रहे हैं। तो आने वाले टाइम में मेरे को भी एक मंजिल ऊपर करके इनकी धूप का इंतज़ाम करना पड़ेगा। वैसे तो इसी साल ही सोचा था, लेकिन
हर काम अपने समय के हिसाब से होता है। तो ये दोस्तों ये पौधा जो है रेड कश्मीरी एप्पल बेर का है। आजकल बाज़ार में बड़े मोटे मोटे बेर आते हैं, तो वो पहले ग्रीन एप्पल बेर आता था मोटा सा, उसके अंदर मिठास कम होती थी। अब उन्होंने दूसरी वैरायटी निकाली है कश्मीरी रेड एप्पल बेर की। इसका जो साइज़ होता है 70 से 80 ग्राम तक का इसका वज़न होता है, और ये बिल्कुल एप्पल की शेप में इसका फल लगता है। तो ये अभी नई नई वैरायटी है, और ये भी ताइवान की वैरायटी है। बाहर से पौधे क्लोन से तैयार हो के आते हैं, और एक बार क्लोन से तैयार हो जाए फिर उसके बाद भारत के अंदर इंडिया में बनने शुरू हो जाते हैं। बड़े से बहुत से नर्सरी वाले बनाने शुरू कर देते हैं, और आज की तारीख में काफ़ी नर्सरी वाले ये पौधे बनाने लग रहे हैं। तो इस पौधे की खासियत ये है कि एक साल के अंदर ही भीतर ये फल देना शुरू कर देता है, और काफ़ी अच्छी मात्रा में फल देता है। अगर किसानों की वीडियो देखें तो किसानों की वीडियो में हर किसान अपना अलग अनुभव बताता है। कोई कहता है कि मतलब मेरे पहले साल में एक पौधे के ऊपर 10 kg फ्रूट आया, और एक कहता कि मेरे पौधे पे 30 kg के करीब फल लगा। तो दोस्तों ये कुछ किसान भी एक दूसरे को आपस में उलझाए रखते हैं, और वो भी चाहते हैं कि जिस तरह मेरे पौधे में 10 kg आ रहा तो 30 kg का झांसा दे के उनके लगा ले, उनके भी पेड़ पौधे ऐसे लगवा दे खेतों के अंदर। तो गमले के अंदर मुझे नहीं लगता कि एक पौधा 2 या 2.5 kg से ज़्यादा फ्रूट देगा। 2.5-3 kg फ्रूट भी लग गया तो गनीमत है, समझ लो कि बहुत ही बढ़िया मतलब चला हमारा पौधा। तो वीडियो को ज़्यादा लंबी मैं नहीं करूँगा, जिस मेरे दोस्त भाई ने लगाना हो वो ऑनलाइन मैं ज़्यादातर मंगवाता हूँ, ऑनलाइन ही मिलते हैं ये पौधे, और नर्सरियों में ये कम पौधे मिलते हैं। जो लोकल नर्सरी होती है वहाँ से बहुत कम मिलते हैं, तो ये पौधे लगा के अपना फल फ्रूट खा सकता है। तो धूप और एक दूसरा दिल्ली में काफ़ी रोज से पानी बरस रहा, और पानी की वजह से भी बरसने से हमारे जो है फूल है वो कम आते हैं, क्योंकि ह्यूमिडिटी नहीं बनती हमारे पौधों के ऊपर, और जब तक ह्यूमिडिटी ना बने पेड़ पौधों के ऊपर फूल और फल नहीं लगते। तो दोस्तों आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, और जाते जाते दोस्तों एक संदेश दूंगा दोस्तों के लिए, मेरे पास टच प्लांट लाजवंती छुई हुई जिसको बोलते हैं उसके बीज है। अगर किसी मेरे दोस्त किसी भाई को चाहिए हो तो मेरे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करके वो बीज मेरे से मंगवा सकता है। मैं समय समय पे लोगों को बीज भी उपलब्ध करवाता रहता हूँ, और कोई पैसा नहीं लेता उनका बीज भिजवाने का, घर पे अपनी तरफ से सारे काम करता हूँ। पीछे फालसे के भी काफ़ी बीज मैंने लोगों को दोस्तों को भिजवाए हैं, और अभी तक भिजवाने लग रहा हूँ। तो कुछ दोस्तों ने बड़े अच्छे कल कमेंट्स कर रहे थे, तो अगर मैं सबका नाम लेने लगूँ तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो जिस जिसने भी जो जो कमेंट्स करा उन सबका धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही हौसला बढ़ाए रखना, और आपका दोस्त ऐसी ऐसी वीडियो बनाता रहेगा आपको दिखाने के लिए।